मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपने एक फैसले के चलते एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की जेल में ऐसे 400 कैदी हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इन 400 कैदियों को ये सजा दुष्कर्म के मामले में मिली है और अब प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे इन 400 दुष्कर्मियों को कोरोना महामारी में पेरोल पर रिहा करने की तैयारी कर रही है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। और जेल मुख्यालय ने सभी जेलों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। आपके लिए यहाँ पर ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इन 400 में से लगभग 100 कैदियों पर छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ रेप का आरोप है और इस मामले के सामने आते ही कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि ये जानकारी सामने आई है कि प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 400 के करीब दुष्कर्मियों को शिवराज सरकार कोरोना के नाम पर पेरोल पर छोड़ने की तैयारी कर रही है। यहाँ आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि भोपाल की सेंट्रल जेल में ऐसे 400 बंदी हैं जिनमें से 100 बंदी ऐसे हैं जो नाबालिग बच्चियों से ज्यादती के मामले में सजा काट रहे हैं और ये फैसला निंदनीय है। वहीं दूसरे ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा कि जब प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर तकरीबन समाप्ति की कगार पर है तो ऐसे में इस निर्णय पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में पहले से ही दुष्कर्म के मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है और इस निर्णय से पीड़ित परिवारों में भी असंतोष है। सरकार तत्काल इस निर्णय पर रोक लगाए, तो ये ट्वीट कमलनाथ ने करे। आपको यहाँ पर बता दें कि 5 जून को जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को इस पेरोल के संबंध में पत्र लिखा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इन बंदियों को पेरोल का अधिकार तो है, लेकिन जेल मुख्यालय का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2015 के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसे बंदी जिन्होंने दुष्कर्म का अपराध किया है और जिन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के मामले में जिन्हें सजा हुई है उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी बंदी है उन्हें राज्यपाल धारा 161 के तहत सजा से राहत दे सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जेल में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पहली लहर में बंदियों को पेरोल और विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत देकर छोड़ा गया था। तब पेरोल की जो अवधि थी वो समय समय पर 300 दिन तक बढ़ाई गई थी। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद करीब 100 बंदी ऐसे हैं जिनकी अब तक 300 दिन की अवधि पूरी ही नहीं हुई है और उन्हें 60 दिन की पेरोल और दे दी गई है। और अब जब कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से काबू में आ गई है तब राज्य सरकार ने बंदियों की पेरोल की अवधि को 30 दिन और बढ़ा दिया है और इसीलिए भी लगातार शिवराज सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर भी है। आपको ये भी बता दें कि पहले ही मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में अव्वल है। ऐसे में अब जब कोरोना की दूसरी लहर पर लगभग काबू पा लिया गया है, केसेस कम आने लग गए हैं, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में पेरोल की अवधि बढ़ाना और ज्यादती के मामलों में उम्र कैद काट रहे बंदियों को पेरोल पर रिहा करने का फैसला क्यों लिया गया, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।